www.facebook.com/. कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी बरन सक महमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी दोहेरा करे शगन सब ब्याह के जीतत बिपर बताए श्री गुरु हर गोबिंद जी दूलो रहे सो आए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सतगुरां दी साजी और निवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत वडभागे हो नौवें पातशाह धर्म रक्षक सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे पवित्र पावन इतिहासक स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की पवित्र पावन हजूरी च हाजरियां भर के संध्या वेले दे दीवाना विच नेता प्रति गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी की पवित्र पावन लड़ीवार कथा बहुत ही भावनापूर्वक सत्कार सहित सरवण कर रहे हो। महाराज छेवें पातशाह जी श्री तलवंडी साहब की यात्रा करन तो परंत पछां नूं वापस मुड़े हन। रस्ते विच इक मदरी नामक पिंड विच महाराज जी ने चरण पाए ने जिथों दे सिख महाराज जी की सेवा विच हाजिर होए। भाई माणक चंद जिन्हां दा नाम है सतगुरां नूं दस्या कि साडे कोल वड्डे सतगुरां दीआं निशानियां पईआं हन। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे चरणां दा जोड़ा और तिन्हां दे हथ दा इक आसा पिया होया है। सतगुरां आख्या लिया कि सानूं दर्शन कराओ। सतगुरां दे उस पवित्र पावन चरणां दे जोड़े और आसे दे दर्शन कराए। सिखां ने पुछिआ भाई माणक चंद जी ये निशानियां तुहानू किस तरह प्राप्त होईआं। इन्हां दस्या कि जदों सतगुरु जी साडे नगर विच आए सन साडे नगर दे वडेरे भाई केदारा जी जिन्हां दे गल विच हजीरां दा रोग सी महाराज गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी दे चरणां दा जोड़ा जदों अपने गल नाल मिलिआ उस वेले उस रोग की निवृत्ति हो गई। सतगुरां दे पुछण ते भाई केदारा जी ने दस्या कि आप जी की चरण पादुका दे नाल इह गल दा हजीरां दा रोग निवृत्त होया है। सतगुरु जी ने एक सोटी विच जोड़ा चुक के सोटी समेत तो जोड़ा भाई केदारा जी नूं बख्श दिता कि आने वाले समय विच भी जे किसी के हजीरां दा रोग होवेगा वो अपने गल नूं इह जोड़ा लाउणगे ते उहनां दे इस रोग की निवृत्ति होवेगी। इदां बख्शिशां कीतियां सन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे समेत सारे सिखां ने बड़े सत्कार नाले पवित्र बचन सुने हन। इत्थों चल के महाराज जी मटमी पिंड आए ने। इधर लागे एक मंडियाली नगर है जिथों के रहण वाले भाई दया राम जिन्हां दा नां उदां भाई द्वारका दास भी आउंदा द्वारा जी भी कहिंदे इन्हां दी लड़की है जिहदा नां इतिहास विच माता मां देई आउंदा है जो जाति करके मरवाई सन इस करके इन्हां नूं माता मरवाई जी भी कहा जांदा सी। उन्हां दा रिश्ता गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी नूं मटमी भेजिआ। भाई जेठा जी दे कहण ते सतगुरु जी ने रिश्ता प्रवान कीता है। व्याह दी तरीक मुकरर कीती है
ग्यारह सौण का दिन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी के विवाह का यह नीयत किया गया है। शगना की रस्म होई है, समग्र तैयारियां विआह दियां कीतियां जा रही हैं। आओ मेरी पेरी दे मालक दल भंजन गुरु सूरमा बड जोधा बो पारोपकारी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी की इस पवित्र पावन कथा नूं महाराज छेवें पातशाह जी के विवाह के समागम जिस तरह संपूर्ण होए हैं, आरंभ होए हैं, वो कथा भाई संतोख सिंह जी बड़ी श्रद्धा नाल सत्कार नाल इस पवित्र पावन ग्रंथ विच लिख रहे ने। एकाग्र चित होण वास्ते महाराज जी दे पवित्र पावन गुरमंत्र नूं दोहराइए, आखणा करिए जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब दोहेरा करे शगन सब ब्याह के जीतक बिपर बताए। ब्याह दे शगन सन जिहड़े लागी आए सन भाई द्वारका दास जी, भाई द्वारा जी दे भेजे हुए मंडियाली तो उन्हां लागियां ने समग्र शगन संपूर्ण कीते हन। जिवें जिवें दसदे रहे तिवें तिवें सतगुरु जी उह शगन करवाउंदे रहे। श्री गुरु हरगोबिंद जी दूलो रहे सो आए। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जो दुल्हे रूप दे विच सुभाए मान होए हन, विआह दियां समग्र तैयारियां कीतियां जा रहियां ने। महाराज छेवें पातशाह जी दुल्हे रूप दे विच सुभाए मान हन। चौपाए सजी बरात जितक सिख संग चले कुदावत चपल तुरंग। जिन्ने भी सतगुरां दे नाल सिख सेवक सन सारे बरात दे रूप दे विच सजे ने, तैयार होए ने। सब ने बड़िया बड़िया सोहणियां पोशाकां, कीमती पोशाकां अपने शरीरां ते धारण कीतियां कि गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दीन दुनिया दे पातशाह जी दी बरात चढ़ के जा रहे हैं। ते बड़ी खुशी नाल चाओ नाल सज के सारी बरात महाराज गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी दे नाल चली है। पहुंचे तबै जाए मंडियाली देख खुशी तिन कीन बिसाले। मतवी तो चल के रस्ते विच अनेकां जीवां दा पार उतारा करदिआं होइआं महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी समूह सिखां दी बरात समेत मंडियाली पिंड आ पहुंचे हन, जिथे सतगुरां दा सौरा परिवार है। मंडियाली पिंड महाराज सच्चे पातशाह जी आण पहुंचे हन, नाल अनेकां सिख सेवक अपने घोड़िआं नूं कुदाउंदिआं होइआं बड़े चाओ नाल उत्साह नाल आए हन। लोक एकत्र करे समदाए आगे लेन सो द्वारा आए। इधर भाई द्वारा जी पता चलिया कि बरात आ गई है ते सतगुरां दे सत्कार वास्ते महाराज जी का स्वागत करन लई आओ भगत करन लई नगर दे विचों कुछ लोगां नूं अपने नाल लिया और बाहर आ के नगर दे जिधरों सतगुरु जी आ रहे सन बाहर आके उधर स्वागत करन लई महाराज जी नूं लैण वास्ते अगे आण खलोते हन। जेठा लगे उधर बबर खामन रंक तनी बन पेर खावन। इत्थे सारे सिखां विच्चों बजुर्ग ते मुखी सिख भाई साहब भाई जेठा जी सन। भाई साहब भाई जेठा जी सारी जिम्मेवारी आप अपने सिर ते लै के निभा रहे ने। अपने हथी बेअंत धन वार वार के सतगुरां दे चरणा तो अनेकां लोड़वंदां नूं अनेकां जाचकां नूं रंकां नूं दे के धनी बना रहे ने। तुरही डफ गन पटै निशाना बाज उठे जन कन गरजाना। तुरहियां डफ और गन पट है आदिक जिहड़े अनेकां प्रकार दे साज ने, मृदंग ने, छोटे नगारे ने, इको वेरी वज टोरे ने। मानो जिवें आकाश दे विच इक वेरी बदल गरज पैंदे हन, बदलां दी गरज वांगू इन्हां सारे साजां दी आवाज सारे नगर दे विच आकाश दे विच गूंज रही है। गुर पर द्वारे वारे उदर्व रीत करी कुल की जो सर्व। भाई द्वारा जी अगे आए
महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी दुल्हे रूप च वेखे बहुत खुश होए प्रसन्न होए। महाराज छेवें पातशाह जी तो बेअंत माया वारी है भाई द्वारा जी ने, माया वार के सारी माया जाचकां विच भिखारियां विच वंडी है। जो जो उन्हां दी कुल रीति सी खालसा जी इन्हां समागमां विच जिवें लोकक और वैदक रीतियां पुरातन समय तो चलदियां आ रहियां हन। वैदक रीतियां उन्हां नूं कहिंदे ने जिहड़े पुरातन समय तो साडे धर्म ग्रंथ सानूं करन नूं कहिंदे ने। लोकक रीतियां उह हुंदियां ने जिहड़ियां पुराने समय तो साडे भाईचारे विच साडे पिछोकड़ विच बजुर्गां दे समय तो चलदियां आ रहियां हन। हालांकि उन्हां दा कुछ पता नहीं हुंदा वी इह रीति क्यों कीती जा रही है, पर फिर भी अगों आपां करदे चले जांदे आ क्योंकि साडे बजुर्ग पिछों करदे आए हन। उन्हां नूं लोकक रीतियां आखदे हन। सो भाई द्वारा जी ने समग्र रीतियां निभाईयां हन। महाराज छेवें पातशाह जी तो धन वारिया है। लेकर संग निवेश करायो जो चाहिए तत्काल पठायो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे समेत सारी बरात नूं नाल लैके भाई द्वारा जी ने निवेश कराया, भाव बरात दा टुकाओ करवाया। जो जो कुछ भी चाहिदा सी तत्काल उसे वेले सिखां दे कोलों रस्तां वस्तां पहुंचदियां कीतियां हन। दुए दिन सतगुर गए अगारी देख सरात है नर नारी। सतगुरु जी दा जिहड़ा आनंद कारज दा समां सी उह 11 तरीक दा सी, पर सतगुरु जी 2 दिन पहलों ही नगर च पहुंच गए सन, जिस करके सारे नगर निवासी बहुत ज्यादा प्रसन्न ने, बहुत ज्यादा खुश ने। महाराज सच्चे पातशाह जी का सोहना रूप वेख के सतगुरां दी सलाघा करते हैं। लोग आ के दर्शन करते कहते साडे वड्डे भाग कि हुण आ 2 दिन महाराज जी के खुले दर्शन भी सानू होणगे। एदां ओ नर नारियां सतगुरां दा सरूप वेखदे और महाराज जी दे सरूप नू सलाउंदे हन। मंगत जन समूह चलिया मैं सबको सतगुर दर्व देवा मैं। अनेकां मंगते अनेकां जाचक नेड़े तेड़े दे पिंडां नगरां विच्चों भी आण पहुंचे हन। सतगुरु जी सारियां नू धन दिवाउंदे ने, किसी नू भी अपने दरों खाली नहीं मुड़न दिंदे। जिहड़ा भी आ के जो कुछ मंगदा, जे कोई वस्त्र मंगदा उहनू वस्त्र दिवाउंदे ने। भाई साहब भाई जेठा जी दे कोल खजाने दीआं चाबियां ने, उह आप अपने हत्थी सतगुरां दी आग्या मुताबक उन्हां मंगतियां नू दान आदिक दे के भेजदे हन। जस पहले उह बड़ दान दे ते बसे दुए दिन बीत गए ते। सतगुरु जी दा बहुत ज्यादा जस फैलिया जदों महाराज जी ने बहुत दान कीता। उह जाचक दान लै के जदों जांदे महाराज जी दा जस करदे ने। खालसा जी सुते सिद्ध संसार दे विच दानी सजना दा जस हुंदा है। दान देण नाल संसार दे विच जस वधदा है और लोभी ते लालची विरती रखण दे नाल संसार विच तिरस्कार ते निरादर हुंदा है। दान देण नाल जस वधदा है। महाराज छेवें पातशाह जी दा बहुत भारी जस वधिया। जिन्हां जिन्हां नूं दान दित्ता उह जाचक दान प्राप्त करके महाराज जी दा जस करदिआं मुड़दे हन। इसे तरह महाराज सच्चे पातशाह जी नूं मंडियाली नगर च रहिंदिआं 2 दिन बतीत हो गए हन। तृती दिओ सिरै कटका चार बड़वा अरूडे है सब त्यार। तीजा दिन जदों 4 घड़ियां दिन बाकी बचिआ, महाराज सच्चे पातशाह जी घोड़ी ते सवार होए हन। अपनी सोहनी चंचल घोड़ी ते महाराज जी सवार होए हन। कने बजावत बाजे चाले सुन सब कह पा हरक बिचाले। ब्याह दी रस्म करन वास्ते चल पए ते जदों सारियां फौजां महाराज जी दे सिख सेवक सारे नाल चल पए, अनेकां प्रकार दे बाजे बजा के बड़ी खुशी नाल शहनाइयां नफीरियां बजा के अगे अगे टुरे जा रहे ने। जेठे संग मिलनी कर द्वारे करियो टुकाओ जाए तिस द्वारे। भाई साहब भाई जेठा जी जो गुरु घर दे पुराने सिख सी, गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे वेले दे सिख सन, इस करके बजुर्ग होण करके सतगुरां वल्लों पिता दी थां ते भाई द्वारा जी नाल मिलनी भाई जेठा जी ने कीती है।
जिहड़ी मर्यादा है मिलनी करन दी, भाई साहब भाई द्वारा जी दे नाल भाई जेठा जी ने मिलनी की है। मिलनी करन तो उपरंत योग स्थान ते भाई द्वारा जी ने सतगुरां समेत सारे बरातियां दा टुकाओ कीता है। बिखियो जमाता पागल जवै अंग आनंद ना मिलै तवै। माता महादेई माता मरवाई भी जिन्हां नूं कहिंदे उन्हां दे पूजनीक माता जिन्हां दा नां है माई भागण, जो भाई द्वारा जी दी घरवाली है, उन्होंने जदों अपने जवाई गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं वेख्या, अज पहली बेरा वेख्या सी, सुंदर रूप वेख वेख के इतना ज़्यादा हिरदे च आनंद वरत्या कि माई भागण दे हिरदे विच ओह आनंद मेवंदा नहीं। पिक पिक अवला सकल सरात जे ना पिखे सुन देखन चात। घर विच जिहड़ियां इस्त्रियां ने उह महाराज छेवें पातशाह जी दा रूप वेख वेख के सलौंदियां ने, ते जिन्हां ने नहीं वेख्या ना उह भी फिर भज के वेखण आउंदियां ने कि जिन्हां दी उपमा सारियां इस्त्रियां कर रहियां ने, चल के वेखिए तां सही कि सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी दा सरूप है कैसा। ਇਹਦਾ ਦੁਲਹੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਦੌੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਅਮਾਹਨ ਜਵੈ ਪਹੁੰਚਤ ਪਏ ਜਾਏ ਕਰ ਤਵੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਧੀਆ ਜੇਠਾ ਦਿਕ ਸਾਥ ਲਾਵਾਂ ਪਰ ਬੈਠੇ ਸ਼ੁਭ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮਾਤਾ ਮਹਾਦੇਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਕਰ ਲਾਵਾਂ ਲੀਨ ਜਹਾਂ ਚੈਤ ਜੇਠੇ ਤਨ ਦੀਨ। ਉਚਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰਵਕ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਫੇਰ ਖੁੱਲੇ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਾਜੇ ਬਜ ਬਹੁਤ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਉਪਰੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਆਸਣ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਨਫੀਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਓ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁਨ ਭੋਜਨ ਕੇ ਹੇਤ ਬੁਲਾਏ ਉੱਚੇ ਪੰਗਤ ਲਾਏ ਬਿਠਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਇੱਧਰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਾਰੀ ਪੰਗਤ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਹੈ। ਸਤ ਪਕਵਾਨ ਆਨ ਆਹਾਰੇ ਕਰਿਓ ਪਰੋਸਨ ਸਕਲ ਅਗਾਰੇ। ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੱਤ ਪਕਵਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਬੜੇ ਚਾਓ ਨਾਲ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਆਹਾਰ, ਮਿੱਠੇ ਖੱਟੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਮੁਦਤ ਸਮਾਜ ਸਰਬ ਹੋਏ ਰਹੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਗੁਰ ਕੋ ਜਸ ਕਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ,
आले दुआले अनेक नारियां बैठिया हैं। वो महाराज सच्चे पातशाह जी का सुंदर रूप वेख करके गुरदेव दे मंगलाचार गायन कर रही हैं। इदा सारा समाज बड़ा मुदत खुश होया। गुरु हरगोबिंद साहब हानी खुशियां दे दाते, ते जिथे खुशियां दे दाते दा निवास होवे उत्थे खुशियां क्यों ना होण। सारे पासे खुशियां ने। महाराज सच्चे पातशाह जी का जस हर एक दी जुबान ते है। हर एक सिख महाराज गुरु हरगोबिंद साहब जी का जस गायन कर रहा है। तृप्त होए डेरे पुन आए, सुब जथा सुख रात बिताए। तृप्त होके भोजन छकण तो परंत महाराज सच्चे पातशाह जी अपने डेरे ते आए हैं। अपने सुखासना ते विराजमान होके महाराज जी ने रात सुख नाल बतीत कीती है। भई प्रात कर सो छिनाना, बैठे सतगुर लाए दीवाना। अमृत वेला होया, महाराज जी ने उठ के सोच स्नान कीता। अपने निज स्वरूप च भेद होए ने, उपरंत सतगुरु जी ने दीवान सजाया। दीवान सजा के सजे हुए दीवान च आके महाराज जी बैठे हन। निकट निकट को ग्राम जे बृंद, देखन हित श्री हर गोबिंद। खालसा जी मंडियाली नगर दे नेड़े तेड़े जिन्ने ग्राम सन, जिन्ने नगर सन, वो सारे गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दे दर्शन करन वास्ते बड़ी काली नल तेजी नल चल के आ रहे ने। लोक अनेक तनी अरंका, आन आन दर्शे गुर बंका। अनेका तनी भी आउंदे ने, अनेका गरीब भी आउंदे ने, सारे सतगुरां दे सिख ने। ते महाराज सच्चे पातशाह जी दे घर दे विच तां अमीर गरीब नूं उच्चे नीवे नूं सारिआं नूं इक्को ही निगाह नाल वेख्या जांदा, सत्कार दी दृष्टि नाल वेख्या जांदा है। इस करके अनेका गरीब भी आ रहे, अनेका धनी शाहूकार भी आउंदे आके सतगुरां दे बंके स्वरूप, सुंदर स्वरूप गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे दर्शन कर दे। इन्ने सोहणे ने महाराज छेवें पातशाह जी कि जिहड़ा इक वेरी वेखदा है मुड़ के उहदा चित इह भी नहीं करदा कि मैं निगाह परे करां। इह भी पासे दी गल है, अपणियां अखां तक भी नहीं झबकदे कि इन्ना समा भी कि सतगुरां दे दर्शनां तो बिना खुंज ना जाइए। इहो जिहा आनंद महाराज जी दे दर्शन करके सिखां दे हिरदिआं च वरतदा है। अरपे अकोरन सीस निवावै, मनोकामना हिरत पावै। अनेकां प्रकार दीआं सुंदर पिठावां कोरां लिआ के महाराज जी नूं अरपदे हन, ते जिहड़ी जिहड़ी मनोकामना करके आउंदे ਉਹ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨੇ ਮਾਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਏ ਦਿਨ ਪੂਰਵ ਤੀਨ ਪਿਛਾਰੀ, ਕਰਿਓ ਬਾਤ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਰੇ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਦਿਨ ਮੰਡਿਆਲੀ ਨਗਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਜਥਾ ਸ਼ਕ ਦਾਇਜ ਕੋ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਿਲ ਪਾਗਲ ਦੁਰਤਾ ਕੇ ਸਾਥ, ਅਰਪਣ ਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਨਾਥ। ਭਾਈ ਭਾਗਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਮਾਤਾ ਮਹਾਦੇਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾਸੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰ ਡੋਲਾ ਆਗੈ ਗੁਰ ਚੱਲੇ, ਹੋਏ ਪਸ਼ਚਾਤ ਅਪਰ ਸਭ ਮਿਲੇ। ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੋਲਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜੇ ਬਜਤ ਪੰਥ ਗਮਨ ਅੰਤੇ, ਅਨਗਨ ਤਨ ਕਨ ਜਨ ਬਰਖੰਤੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਜ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਧਨ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਧਨ ਵਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ
उत्थे होर भी अनेक गुरु के सिख बड़े चाव नाल धन की वर्खा कर रहे हैं। कितक दूर जब चले अगारी खरे रहो गुरु गिरा उचारी। जदों सतगुरु जी मंडियाली तो चल के बार बार कुछ क दूरी ते आए ने ना ते सारयां नूं महाराज जी ने हुक्म कीता भाई इत्थे खलोते रहो। सारी संगत नूं इक्को वेरी महाराज जी ने हुक्म कीता भी खलो जाओ इत्थे। सारे हैरान हो गए कि चलदिआं चलदिआं अचानक सारयां नूं महाराज जी ने रोक दिता। आख्या भाई सारे सिख इसे जगह ते खलो जाओ। प्यारो सिख चलियो इक आवत हम दर्शन को बोल चावत। अंतरयामी सतगुरु सच्चे पातशाह जी जानदे जो होए सारयां दे घट दे कहिंदे भाई सिखो इत्थे खलो जो हुण अगे नहीं चलना आपां हले क्योंकि पिछे एक साडा बड़ा ही प्यार वाला सिख आ रहा है जिहदे मन च साडे दर्शन करन दी इच्छा है। अंतरयामी साहब जी क्योंकि एक कदम कोई साहब वल्ले चल के आउंदा करोड़ा कदम सतगुरु जी तां भी अगे लैण हो लैण वास्ते अगे जांदे। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत हैं। आख्या खलो जो इत्थे साडा एक प्यार वाला सिख साडे दर्शन करन वास्ते आ रहा है।